गढ़वा की खबरें और इसके आसपास से जुड़े अनोखी कहानी के लिए गढ़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में पलामू जिला राज्य में अव्वल। 3 दिनों में 487 स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया वैक्सीन। उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों को दी बधाई, कहा ऐसे ही मोमेंटम बनाए रखें। कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में पलामू जिले ने राज्य भर में बाजी मार ली है। 3 दिनों से चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 487 स्वास्थ्य कर्मियों को अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए सूची के अनुसार पलामू 487 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देकर पहले पायदान पर पहुंच चुका है। 453 लोगों को टीका देते हुए बोकारो दूसरे स्थान पर है, वहीं रांची चौथे स्थान पर है। उपायुक्त श्री शशि रंजन ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है तथा उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से मोमेंटम बरकरार रखते हुए जल्द से जल्द सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 का टीका लगाएं। उन्होंने कहा कि यह देखने में अच्छा है कि लोग बिना डरे टीका लगवाने स्वयं आ रहे हैं तथा स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव में पलामू वासियों द्वारा स्वयं आगे बढ़कर अपनी सहभागिता दिखाई है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने बताया कि आज 20 जनवरी 2021 को 174 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिया गया है। बताते चले कि पलामू समेत पूरे देश में 16 जनवरी से कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ हुआ है। शुरुआत में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है।